हेलो माय डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स माय नेम इज नेहा सचदेव एंड आई वंस अगेन वेलकम यू टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी मेन रीडर बुक बिहाइव की चैप्टर नंबर टू जिसका टाइटल है साउंड ऑफ म्यूजिक अब साउंड ऑफ म्यूजिक को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में तो फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज एवलिंग ग्लिनी टू साउंड

विदउट इट तो प्यारे बच्चों क्या आप लोगों को पता है वट इज द बेसिक डिफरेंस बिट्वीन लिसन एंड हियर कोई मुझे बता सकता है जिसको यह पता है वीडियो को पॉज करो फटाफट से अपने आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में माफ करके बताइए चलिए आई होप बहुत सारे बच्चों को पता होगा कहीं को सही पता होगा कहींयों को सही नहीं पता होगा कहींयों को लगता होगा एक ही चीज है बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे टाइटल को जस्टिफाई करती हूं इसलिए मुझे लिसन और हेयर का डिफरेंस बताना पड़ेगा ना हेयरिंग क्या होता है जैसे बोलते हैं लुक सी में डिफरेंस होता है वैसे भी वैसे ही लिसन और हेयर में भी डिफरेंस होता है हेयरिंग क्या होता है हेयरिंग इज वॉट वी डू बाई डिफॉल्ट हमारे कान का फंक्शन क्या है सुनना तो बाई डिफॉल्ट कोई भी आसपास की आवाज़ें हम उसको नहीं भी ध्यान देंगे हमारे कान में आएंगे एंड दैट इज वॉट वी आर हियरिंग और लिसन का मतलब क्या होता है जब हम गौर से दिमाग से कोई चीज ध्यान से समझते हैं तो हम वहां पे अटेंशन देते हैं दैट इज लिसनिंग देखो मैं सिंपल एग्जाम्पल से जस्टिफाई करती हूँ कि आई यू गाइज लिसनिंग मी आई यू पीपल अंडरस्टैंडिंग तो लिसनिंग मतलब ध्यान से सुन रहे हो तो मैंने कभी ये नहीं बोला

वो क्या करती है साउंड को सुनती नहीं है वो ध्यान से समझती है शी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट यस वो सुन नहीं सकती मतलब शी cannot नॉट हियर जो ear का by डिफॉल्ट फंक्शन होता है टू हियर वो सुन नहीं सकती बिल्कुल yes, सही गर्ल शी was नॉट born डेफ वो बचपन से ही बहरी नहीं थी जो सुन नहीं सकती थी विद एज ग्रेजुअली एट द एज ऑफ एट मदर उनकी जो मदर थी एवलिंग की पहली बार डिस्कवर करा था that she शी इज नॉट एबल टू well वो सही से नहीं सुन पाती है सो एट ईयर्स में डायग्नोज हुआ था दैट शी के नॉट हेयर और वो ना सुन पाने के बावजूद भी बीइंग अ डेफ गर्ल फिर भी उन्होंने म्यूजिक को सीखा मतलब जिसको सुन के करा जाता है और उन्हें कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में म्यूजिक को सीखा और सिर्फ सीखा ही नहीं आउटस्टैंडिंग तरीके से डिफरेंट जगह उन्होंने परफॉर्म करा एंड शी बैग न्यूम्रिस अवॉर्ड एट अ वेरी यंग एज सो दिस इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग स्टोरी तो इस टाइटल को जस्टिफाई करके पहला वर्ड जो आपके दिमाग में आता है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए टू मी मेरे दिमाग में क्या आता है भाई कोई इंसान सुन नहीं सकता और उसने म्यूजिक को सीखा है उसने सुना है साउंड को बट वो सुन नहीं सकता शी इज नॉट केपेबल शी इज नॉट पोटेंशियल टू हियर बट स्टिल टू साउंड तो उसने क्या करा शी फेल्ट साउंड डिफरेंट ड्रम्स को उसने फील करा अपने डिफरेंट बॉडी के पार्ट से उसने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को फ़ील करा महसूस करा और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से वो यू नो शी यूज़ टू पुट फोर हर हार्ट एंड टू म्यूजिक और वो इतना एक्स्ट्रा ऑडियन इतना ब्रिलियन परफॉर्म करती थी कि ऑडियंस यूज टू जस्ट अमेज ठीक है सो so, अब बेसिकली माय कंसर्न वाज कि कौन सा फर्स्ट वर्ड याद आता है कि एक ऐसे पर्सन के लिए जो सुन नहीं सकता और उसने इतने अच्छे तरीके से उस चीज़ को करा और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए सो आई थिंक इसका जो नो मेजर कॉज जो है जो मेजर रीजन मुझे समझ में आता है दैट इज दैट इज what तो जरा यहाँ पे देखना मेरे को जो तीन चीजें इस टाइटल से समझ में आ रही है दैट इज होमवर्क नॉट डन नो इट इज हार्डवर्क एच डब्ल्यू हार्डवर्क सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड देन कम्स डेडिकेशन और डेडिकेशन के साथ साथ इट इज ओल अबाउट डेटमिनेशन सो हार्डवर्क के साथ कड़ी मेहनत के साथ जब आप बहुत डेडिकेट समर्पित हो जाते हो और पूरे फोकस हो जाते हो कि जो मर्जी हो जाए मैं तो इसको करके ही मानूंगा दैट इज एग्जैक्टली जब कोई भी बड़े से बड़े काम को भी किया जा सकता है इट इज़ ऑल अबाउट वर्क डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन तो यही पूरी जो चैप्टर है इन तीन वर्ड्स पे बेस है दैट इज व्हाट आई सेड इनिशियली इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ यंग गर्ल चलिए So, let's immediately head and understand this most motivational, most inspiring and motivational story. So, फर्स्ट वी वुड अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर फिर आगे इसकी थीम समझेंगे अबाउट द ऑथर और वर्ड टू वर्ड कंप्लीट करेंगे so, Now, the title. The title says, Now, wonder, आप कैसे उस चीज को सुन सकते हो जब आपके कान सक्षम नहीं है कोई आवाज को सुनने में सो दिस इज समथिंग विल डिस्कवर दैट हाउ एबल टू लिसन टू साउंड ऑल तो यही एग्जैक्ट चीज हमें इस चैप्टर के पढ़ने से यहाँ चैप्टर के बाद में हमें समझ में आएगी कैसे एक लड़की ने विदाउट हियरिंग शी वॉज नॉट हैविंग द एबिलिटी टू हियर वो सक्षम नहीं थी सुनने के बट बिना सुने उसने साउंड को सुना

फार मोर डीपलीफुलिस आपको इतनी से बात समझ में आ गई हार्ड वर्क हार्ड वर्क डेडिकेशन डिटर्मिनेशन समझ में आ गए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया चैप्टर इज डन हाइन कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं वो जर्नी है स्टेप बाई स्टेप उसको हम समझेंगे ना Uh, इस चैप्टर में से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है बोला है गॉड गॉड मेन हैव हर हियरिंग हो सकता है कहते हैं ना वन वन ही बस देर होती है या जो चीज होती है वो हमें देखने की होती है दूसरे दरवाजे को जो खोला है हमारे लिए बट अक्सर लोग क्या करते हैं पहला जो बंद दरवाजा उसी के लिए होते रहते हैं वो और अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढते हैं चलिए सो गॉड मे हैव टेकन अर हेयरिंग हो सकता है भगवान ने एवलिन ग्लिनी से उसके हेयरिंग की कैपेसिटी को छीन लिया था बट ही हेज गि ऐसी चीज एवलिन ग्लिनी को ब्लेस करी थी जो किसी के पास नहीं थी डेट इज वॉट इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ऑर्डिनरी पीपल में नहीं होते वॉट विस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि जहां पर लोग म्यूजिक को मानते थे कि म्यूजिक को सुन के सीखा जा सकता है एवलिंग ग्लिनी ने इस बात को प्रूव करा बहुत अच्छे से जस्टिफाइ करा कि जरूरी नहीं है कि हम म्यूजिक को सुन के सीखें म्यूजिक को फील कर सकते हैं उसको महसूस कर सकते हैं उसको सेंस कर सकते हैं अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से और फिर हम एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं वी शी फील्स जिसको हम सुनते हैं उसको वो महसूस कर दियाऑफकोर्स इसके लिए बहुत ज्यादा उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं बट ये फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस हम इतने अच्छे से शायद म्यूजिक को नहीं समझ सकेंगे जितना गहराइयों में जाके एवलिन ग्लिनी म्यूजिक को फील करती है सेंस करती है महसूस करती है दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली और बस यही रीज़न है कि एवलिन ग्लेनी क्यों इतना ब्यूटीफुल, इतना अमेजिंग इतना मेलोडियस तरीके से म्यूजिक को प्रोड्यूस करती है ना Someone has commented this about Evelyn. He says that although God have uh, got uh, took away her hearing power, She was impaired, hearing impaired, right? But he gave her an extraordinary thing, and that was the sense of feeling. She could feel very deeply, far more deeply than normal people, and that is why she was able to express music so beautifully, so well.

Now, let's understand about the theme of this chapter. The theme, Barbar Vadatthi, bar the uh, main idea, central idea around which the entire chapter revolves. So, from here, we come to know the theme of the story and the message we got from the story. So, here we have to what is the theme of the story and message we from the story. Se kya the story of Evelyn Glennie is a motivational story, it inspires all of us. टू ओवरकम आर फिज़िकल डिसबिलिटीज एंड अचीव आर ड्रीम्स एंड गोल्स जस्ट लाइक एवले हमारी लाइफ में क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं आ, अगर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हम उनकी तो बात ही नहीं करें जो फिज़िकली चैलेंज होते हैं हम बात करें नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की वो भी ऐसे ऐसे पॉइंट्स को लेके रुक जाते हैं कि हमारे पास तो ये नहीं हमारे पास तो ऐसी चीज़ नहीं हम नहीं कर सकते कभी भी ऐसा हम वैसा कभी नहीं कर सकते जब एक फिजिकली चैलेंज पर्सन एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एक ऐसी चीज़ कर सकता है जिसको ट्रेडिशनली माना गया था कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर यू नो आपको पर्टिकुलर स्किल रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर आपकी कोई बॉडी का उसमें पार्ट रिक्वायर्ड है जब उसके बिना अगर कोई कर सकता है तो फिर मैं सिर्फ इतना ही बोल के समझाऊंगी इस चैप्टर को है कोई काम मुश्किल नहीं जब किया इरादा पक्का ठीक है दैट इज वॉड आई सेट दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी सो फ्रॉम फ्राम कम टू नो द थीम ऑफ द स्टोरी एंड द मैसेज वी कॉट फ्रॉम द स्टोरी द स्टोरी ऑफ एवलिंग ग्लिनी एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है ये हम सबको इंस्पायर करती है टू ओवरकम आर फिज़िकल डिसेबिलिटीज हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ पैर सही नहीं है हमारी ये चीज़ ठीक नहीं है वो हमारी एट पार नहीं है तो हमें इन सारी चीज़ों से ओवरकम करना चाहिए एंड अचीव आर ड्रीम्स एंड गोल्स

पूरा नाम डेबोरा मैसन कावले अब ये इन्होंने इंटरव्यू लिया था एवलिंग का जो चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं दिस इज बेसिकली फ्रॉम एन इंटरव्यू जो डेबरा ने लिया था एवलिंग का सो शी हैज ट्रेवल ऑथर की अगर हम बात करें डेबरा मैसिन कावली हैज ट्रेवल द वर्ल्ड वाइड राइटिंग मोर देन हंड्रेड आर्टिकल्स फॉर डिफरेंट एडिशन ऑफ द रीडर्स डाइजेस्ट मेनी ऑफ विच है on air broadcaster for CBC Radio in Washington and worked for CBC Television in London and Cairo, Egypt. She is the author of Cairo, a practical guide and of Lucille Teasdale, Doctor of Courage. She wrote One Woman's Journey, a portrait of Pauline Vanier. So she has, हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने Evelyn Glennie का इंटरव्यू लिया और इस चैप्टर को एक बहुत ही इंस्पायरिंग वे में उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया है ना लेट्स इमीजिएटली स्टार्ट विद द चैप्टर और वर्ड टू वर्ड एक, एक चीज हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे सो दैट वी आर इंस्पायर्ड हंड्रेड परसेंट ना Rush hour crowds, jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was a first day of the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh and from a Scottish farm. But this just aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Now, रश आर क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन दी अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म तो जॉसल का uh, uh, मतलब क्या होता है पुश रफली धक्का मुक्की देते हैं ना बिल्कुल वैसा वाला तो so, बिल्कुल रश आर क्राउड से पीक टाइम बोलते हैं ना जिसको जैसे मान लीजिए ऑफिस आर सुबह होता है सबको दस बजे साढ़े दस ग्यारह बजे तक ऑफिस पहुँचना ग्यारह लेट हो गया दस साढ़े दस तक साढ़े नौ दस साढ़े दस तक पहुँचना होता है इवनिंग सिक्स थर्ट सिक्स सिक्स थर्टी पर सबका रिटर्न होता है तो ये जो रश आर्स होते हैं जहाँ पर मैक्मम क्राउड ट्रैवल करता है तो ऐसा ही रश आर क्राउड जो कर रहे थे पोजिशन के लिए मतलब सब एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी जगह मिल जाए कहाँ पर अंडरग्राउंड जो ट्रेन प्लेटफॉर्म था ठीक है वहाँ पर ना ऐसी जगह पे एक धक्का मुक्की वाले जहाँ पे भीड़ भड़ा बहुत भीड़ भड़ाका वाला एरिया था अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन वहाँ पे एक स्ल गर्ल एक बहुत ही मासूम सी डरी सहमी सी पतली सी लड़की स्लाइड मीन स्मॉल एंड थिन एक वो छोटी सी मासूम सी पतली सी एक लड़की खड़ी थी लेकिन यंगर देनर सेवनटीन ईयर्स एक्चुअली उस टाइम पे एवलिन की एज क्या थी सेवनटीन ईयर कब जब वो कहाँ जा रही थी वैन शी वज गोइंग फॉर प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन तो तब उसकी एज सेवेंटीन थी बट वो सेवनटीन की नहीं लग रही थी बिकॉज बहुत पतली छोटी सी थी ऐसा लगा था शी वो समवेयर ऑफ थर्टीन फोर्टीन की लग रही थी ना दिस गर्ल वॉज नर्वस काफ़ी डरी घबराई हुई सी थी बट एक्साइटेड she felt द वाइब्रेशन ऑफ the अप्रोचिंग ट्रेन वो थोड़ी सी डरी थी बिकॉज ऐसे पर्सन के लिए अपनी ऑल टुगेदर अपने होम टाउन अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली से दूर जाना और कोई ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे कोई भी uh, जान पहचान का ना हो और आ, और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी शी वज़ नॉट एबल टू हियर वो किसी को सुन नहीं पाती थी तो कैसे उसने अपनी जर्नी को खड़ा होगा और कैसे उसने इतने बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीते सो लेट्स अंडरस्टैंड वेरी डीपली ना शी वॉज नर्वस वो काफ़ी डरी घबराई हुई थी बट बिकॉज छोटी लड़की पहली बार कर रही है सुन नहीं सकती हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इतना बड़ा उसको ऑप्शन मिला था टू गो फॉर सो शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड शी फील्ड वो कब एक्साइट हो गई कि Yes, now my journey soon gonna start. तो वो क्या कब एक्साइट हुई? जब उसने फील करा वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन बिकॉज वो सुन नहीं सकती थी वो फील कर सकती थी साउंड को तो जैसे ही ट्रेन आती है स्टेशन पर गड़गड़ गड़गड़ होती है वाइब्रेशन होती है वो सुन नहीं पाती उस चीज़ को सुन नहीं सकती बिकॉज शी इज नॉट केपेबल ऑफ हेयरिंग तो उसने उसको फील करा और बहुत एक्साइटेड हो जाती है दैट इज माई दैट नाउ इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन अब उसका पहला दिन था इस प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जो कि लंदन में एंड इट वाज डोंट इनफ फॉर एनी एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म और एक आ, ऐसी यू नो एक टीनेजर के लिए 17 ईयर की इसकी एज थी और एक सत्रह साल की लड़की के लिए जो स्कॉट के स्कॉटलैंड uh, के फैम से आई है उसके लिए काफ़ी डॉन्टिंग था मतलब तो उसके लिए यू नो काफ़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन थी कि कैसे छोटी से तबके का इंसान एक बड़े लेवल पर आ जाने वाला दैट टू हैविंग सम फिजिकल डिसबिलिटीज बट दिस जैसपायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज बड़ी चुनौती नहीं थी उसके लिए बड़ी चुनौती क्या so, थी शीव प्रोफाउंडली डेफ सो बट दिस जैसपायरिंग म्यूजिशियन वट इज जैसपायरिंग म्यूजिशियन अ पर्सन वॉट टू ब्यूजिशियन इतनी इंथूजिया इतनी जीलेस म्यूजिशियन की इतनी डेटामेंट इतनी डेडिकेटेड जो म्यूजिशियन थी एवलिंग क्लनी इट शी फेस द बिगर चैलेंज दैन मोस्ट जो अक्सर लोग ये फेस नहीं करते उन सबसे बड़ा बड़ी चुनौती थी एवलिंग के पास दैट शी वॉज प्रफाउंड डेफ पूरी डेफ थी एब्सल्यूटली डेफ शी कुंट हियर अब उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है ठीक है लोग जगह एवरीथिंग इज़ ओके बट चैलेंज रियल चैलेंज ये सब नहीं है चुनौतियाँ क्या हैं एवलिंग के लिए दैट शी इज़ एब्सोल्युटली डेफ वो बिल्कुल नहीं सुन सकती है तो अब कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ेंगे टू बी लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन चलिए Heading with the next stanza, uh, Evelyn Glennie's loss of hearing had been ग्रेजुअल मतलब यहाँ से हमें जस्टिफाई हो रहा है कि इट वॉज अ ग्रेजुअल बचपन से बाय बर्थ शी वॉज नॉट बॉर्न डेफ ऐसा नहीं था कि उन, वो जब उनका जन्म हुआ था वो तब से ही सुन नहीं सकती थी ग्रेजुअली हुआ धीरे धीरे टाइम के साथ साथ एज के साथ ग्रेजुअल मीन्स इन फेजेस लाइफ में जब अलग अलग फेज है जब लाइफ में आगे आगे मूवमेंट हुआ एज हुई एक्सपीरियंस हुआ तब ऐसा हुआ हर मदर रिमेंबर्स उनकी मामा को याद है नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द एट ईयर ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो दे कॉल्ड हर नेम एंड शी एन मूव तो यहां पर आई बात हो रही है एवलिन की मादर की तो उन्होंने पहली बार ऐसा रियलाइज किया था कि एवलिन इज नॉट एबल टू हियर सो एवलिन मादर वैपन सर सो एवलिन ग्लिनी लॉस ऑफ हेरिंग हैड बीन ग्रेजुअल एवलिन ग्लिनी की जो सुनने की क्षमता जो खत्म हुई वो बाय बर्थ नहीं थी वो धीरे धीरे एज के साथ हो गई और एट ईयर की ही जब हुई थी बहुत मुश्किल से तभी उनका सुनना ख़त्म हो गया था तो उनकी मम्मा को याद है उन्होंने नोटिस करा था कुछ तो गड़बड़ है जब ये आठ साल की एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो उसको पियानो कहीं पर प्ले करना था कहीं परफॉर्मेंस देनी थी और वो सब उसका नाम बुलाया द कॉल्डर ने

हर ग्रोइंग डेफनेस की जो उसकी सुनने की जो क्षमता खत्म हो रही है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है मतलब वो बिल्कुल डेफ़ हो रही है एब्सोल्युटली डेफ हो रही है उसने इस चीज़ को बहुत समय तक कुछ समय तक फॉर अ वाइल उसने अपने फ्रेंड से अपने टीचर से इस चीज़ को छुपा के रखा उसने किसी को रिवील नहीं करा दैट आई एम नॉट एबल टू हियर but by the time she was 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist lekin by the time jab tak बाई द टाइप्स यूज एलेवन लेकिन आठ साल में ममा को ऐसा रियलाइज़ हुआ लेकिन जब एवलिन एलेवन ईयरस की हुई उसके जो मार्क्स थे वो बहुत बुरी तरीके से कम होने लग गए गिरने लग गए डिट्योरेट होना मीन्स वर्स एंड रिड्यूस उस कोई चीज़ लगातार कम होती जाती है तो उसके मार्क्स लगातार कम होने लग गए तब उनकी स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने अर्ज करा मीन्स रिक्वेस्ट करा एवलिन के पेरेंट्स को टू तो टेक हर टू तो अर स्पेशलिस्ट कि कृपया करके आप स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए स्पेशलिस्ट क्या होता है अ पर्सन हु हु इज हैज स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ नाक की प्रॉब्लम है थ्रोट में प्रॉब्लम प्रौ है ईयर्स में तो हम ई एन टी को दिखाएंगे हमें टीथ में कुछ प्रॉब्लम है तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे हमें बोन्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो हम ऑर्थो के पास जाएंगे ठीक है स्किन से रिलेटेड है हम डरमैट के पास जाएंगे सो दिस इज स्पेशलिस्ट इज Ab इट वॉज देन डिस्कवर डाट अर हेयरिंग वो सीवियरली इम्पेयर एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज और तब जब उनके पेरेंट्स ये जो इतनी हम्बल रिक्वेस्ट करी थी एवलिंग के हेड मिस्ट्रेस ने उनकी रिक्वेस्ट की वजह से तब एवलिंग के पेरेंट्स लेके जाते स्पेशलिस्ट के बाद और तब ये इस बात का पता चलता है डैट आर हेयरिंग कि एवलिंग की सुनने की क्षमता जो है वो सीवियरली इम्पेयर हो गई है वो बुरी तरीके से खराब हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ़ ग्रेजुअल नर्व डैमेज किसकी वजह से ग्रेजुअल धीरे धीरे करके एवलिन की जो सुनने की जो हमारी यू नो नर्व्स होती है हमारे अंदर वो जो नर्व है वो उसकी दबती गई और वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई और अब एवलिन बिल्कुल भी सुन नहीं सकती है शीज इज़ ल्यूटली डेफ profoundly deaf. They were advised that she could be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked blank, says Evelyn. और आप एक ऐसा moment imagine कर सकते हो जब आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कुछ कर रहे हो मान लो आप देख सकते हो सुन सकते हो आप खा सकते हो आप लिख सकते हो आप move कर सकते हो और एक कितनी mature age के बाद एक 11 साल के बच्चे के लिए ऐसा सुनना कि अब आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे और अब आपको एक स्पेशल स्कूल में जाना पड़ेगा जहां पर डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं या फिर आपको कुछ एडिशनल एड्स का यूज करना पड़ेगा तो किसी के लिए भी बिल्कुल ब्लैकआउट से कम नहीं होगा सेम वॉज द केस विद एवलिन ऑल्सो सो दे वर एडवाइस तो स्पेशलिस्ट uh, uh, ने एवलिंग uh, के पेरेंट्स को एडवाइस करा कि उसको कुछ शी शुड बी फिटेड विध हेयरिंग एड्स हेयरिंग एड्स क्या होते हैं जो हमें सुनने में मदद करते हैं आपने देखा होगा कुछ ऐसा नो you माइक्रोफोन know, जैसे कोई मशीन लगा लेते हैं ऐसे करके कान के पीछे भी लगी होती है अब तो बहुत स्मार्ट टेक्नोलॉजी uh, हो गई है एडवांस हो गई तो बहुत अच्छी अच्छी भी चीज़ें आ गई हैं सो so, hmm. उन्होंने सजेस्ट uh, करा उन्होंने एडवाइज़ करा दैट एवलिन को हमें कुछ हेयरिंग एड्स लगवा देने चाहिए और उसको एक ऐसे स्कूल भेजना चाहिए जहाँ पे सिर्फ डेफ लोग जाते हों एवरी और जैसे ही एवलिन ने इतना सा सुना एवरी थिंग सडनली वेंट ब्लैक Everything suddenly सडनली लुक डू ब्लैक सीज एवलिन और एवलिन बोलते हैं उस समय पूरी ब्लैक टोटल ब्लैक आउट वो कुछ उस मोमेंट के लिए उस पल के लिए उसकी लाइफ में बिल्कुल स्टॉप हो गया बिल्कुल अंधेरा कुछ समझ नहीं आया भाई अचानक से जो बहुत नॉर्मल लाइफ uh, को परसीू कर रही थी ऐसे इंसान को सडनली अगर बोला जाएगा कि अब उसको सुन बिल्कुल नहीं सकती हेरिंग एड्स लगवाने पड़ेंगे और ये स्पेशल स्कूल में जाएगी uh, वो स्कूल में जहाँ पर सिर्फ डेफ लॉक पढ़ाए जाते हैं ऐसे इशारों में जहाँ पर पढ़ाया जाता है इट वॉज कम्प्लीट ब्लैक आउट फॉर एवरी चीजें खत्म नहीं होती यहां से ट्रू बिगिनिंग होती है ट्रू इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग जर्नी शुरू होती है एवलिंग की But Evelyn wasn't going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too.

हो ही नहीं सकता बिकॉज म्यूजिक को परस्यू करने इंटरेस्ट म्यूजिक in में तो बिना सुने कैसे पॉसिबल है और अगर जस्ट नॉट पॉसिबल सो यहां पे बहुत अच्छे से जस्टिफाई होगा इन स्टैंड बट एवलिन गोइंग टू गिव एवलिन इतनी ज्यादा फोकस्ड इतनी ज्यादा डिटर्मिन लड़की थी कि उसने यहां पे हार नहीं मानी शी वाज डिटरमिंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड पर्स्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक वो बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय थी शी वाज वेरी मच डिटरमाइन कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो एक नॉर्मल इंसान के जैसे लाइफ को पर्स्यू करेगी और अपना जो उसका इंटरेस्ट है म्यूजिक को वो कंटिन्यू करेगी ही करेगी देन वन डे शी नोटिस एक दिन एवलिन देखती है एक लड़की को हु वाज प्लेइंग जाइलोफोन जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है

रोन फॉर्ज ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन हु फाइंड ट्रू पोटेंशियल हिडन इन एवलिन और उसको लाइक अ जेम उन्होंने शेप करा सो वॉज द नेम रोन सो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में भी आता है आंसर ड्राफ्टिंग में भी आपको यह वर्ड हेल्प करेगा बट प्रकाशनिस्ट रोन फॉब्स हर पोटेंशियल ही बिगन बाय अब बेग एवलिन तो डेफ थी वो सुन तो नहीं सकती थी तो अब कैसे सिखाया जाए डेफ पर्सन को म्यूजिक उसके लिए एवलिन जो रॉन फॉप थे उन्होंने एवलिन के अंदर जो आ, पोटेंशियल था म्यूजिक का वो तो वो समझ गए थे कि शी हैज दैट पोटेंशियल शी हैज दैट कैलिबर एंड शी कैन डू इट बट इसको कैसे कराया जाए सो ही थॉट ऑफ एन आइडिया और उन्होंने क्या करा म्यूजिक को सुन के नहीं सिखाया एवलिन को बिकॉज सुन तो वो सकती नहीं थी बट उन्होंने क्या बोला राधर देन हियरिंग और लिसनिंग टू म्यूजिक यू बेटर फील यू बेटर सेंस द म्यूजिक तो उन्होंने एवलिन को म्यूजिक फील करने के लिए बोला सेंस करने के लिए

ऐसे अलग अलग नोट्स हाई लो पिच ऐसे अलग अलग नोट्स पे उन ड्रम्स को उन्होंने ट्यून करा और फिर एवलेन को बोला कि अब इसको फील करो कि जो ये ड्रम की नोट थी ये तुम्हें कहाँ पे फील हुई बॉडी के कौन से पोर्शन में कौन से पार्ट पे चलिए आगे देखते हैं डोंट लिसन थ्रू यूर्स इसको कान से सुनने की भी कोशिश नहीं करो बिकॉज बाई डिफॉल्ट की कोशिश करेगी बट शी नहीं पाएगी तो क्या बोला से म्यूजिक को सेंस करो. बिकॉज ये सेंस सेंस. स्मेल टेस्ट ये सब आते हैं ठीक है थीक्या? तो उनने बोला ट्राई टू सेंस बिकॉज हमारे जो फाइव सेंसेस थे वो फाइव सेंसेस जो होते हैं हमारे वो

आप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन तो एवलेन बोलती है जो ड्रम के जो हायर नोट्स हैं वो मुझे वेस्ट के अपर पोर्शन में फील हो रहे हैं और जो लोअर जो नोट्स हैं ड्रम के वो मुझे अपने वेस्ट के लोअर पोर्शन पे फील हो रहे हैं फोब्स रिपीटेड एक्सरसाइज और फोब्स ने इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करा। वो बार बार नोट्स लोअर नोट्स सेट करें वो ड्रम के और बोले अब बताइए

Different notes of music. So uh, then I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and.

लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन वर्ड और उस दिन के बाद एवलिन ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा पीछे मुड़ने का मतलब ये नहीं कि उसने कभी पलट के किसी को नहीं देखा इट्स नॉट अबाउट दैट बट इट इज कि उसने कभी अपनी पीछे जो बीती हुई जो लाइफ थी जो ब्लैक डेज थे उनने, उनके बारे में कभी नहीं सोचा उसने हमेशा आगे के बारे में सोचा कि मुझे और कैसे इंप्रूव करना और कैसे बेस्ट देना और कैसा मैं इंप्रूव कर सकती हूँ अपने आप में उसने सिर्फ हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में आगे के लिए सोचा शी टोल्ड द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाई द टाइम शी विक्सटीन शी आर डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर Life. और उसने टूर करा था यूनाइटेड किंगडम्स में एक यूथ ऑर्गेस्ट्रा के साथ वट इज यूथ ऑर्गेस्ट्रा सो यूथ इज अंग पीपल पीपल लाइक हु आर इन कॉलेज और हाई कूल cool, एल है यहाँ पे ठीक है तो यूथ नौजवानों को बोला जाता है ठीक है यूथ और ऑर्केस्ट्रा क्या होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन आप कभी किसी पार्टी वगैरह में गए होंगे तो आपने देखोगा ऑर्केस्ट्रा का पूरा ऑर्केस्ट्रा का पूरा ट्रुप होता है इसमें एक बैंड होता है गिटारिस्ट होता है ड्रामिस्ट होता है वोकलिस्ट होता है तो ये पूरा ग्रुप ये पूरा ग्रुप मिला के ऑर्केस्ट्रा का ट्रूप बनाता है ठीक है तो आप एवलिन uh, uh, यूथ और एस्ट्रा के साथ टूर पे कहाँ गई थी यूनाइटेड किंगडम में फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी वाज 16 इयर्स बाय द टाइम शी वाज 16 तब उसने डिसाइड करा टू मेक म्यूजिक हर लाइफ एंड देन शी डिसाइडेड कि नाउ म्यूजिक इज ओनली माय लाइफ म्यूजिक इज समथिंग दैट इज इन माय ब्लड शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कर्ड वन ऑफ द हाइस्ट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी और इट वॉज जस्ट एवलिन जिसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दी और रिकॉर्ड सेट करे थे तो क्या रिकॉर्ड सेट करा शी ऑडिशन उसने वहाँ पे ऑडिशन दिया ऑडिशन क्या होता है फाइनल सिलेक्शन से पहले उनको कुछ एक डेमो सॉर्ट ऑफ देना होता है जिसको ऑडिशन बोलते हैं आपने देखा होगा इंडियन आइडल में देखते हो सारे काम अपा, में गाना गाते हैं डांस करते तो ऑडिशन के लिए आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं छोटा सा डेमो देते हैं अपना और उनका फिर होता है नहीं होता उस पर डिपेंड करता है सो शी ऑडिशन ऐसे ही एवलिन ने भी अपना ऑडिशन दिया था किसके लिए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए और वहाँ पे शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी मतलब विच इज वेरी प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इसकी हिस्ट्री में अभी तक किसने इतने स्कोर नहीं करे थे जितने एवलिन ने करे थे बीइंग अ डेफ गर्ल एंड दैट टू एट अ वेरी यंग

그게

रेडी ले चुकी थी और अभी कोर्स खत्म भी नहीं हुआ था ऑलमोस्ट वाज़ अबाउट टू एंड एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वे यू आर गोइंग यू विल गेट देयर सो दिस इज द मूल मंत्रा व्हिच इज गिवन बाय एवलिन ग्लिनी टू ऑल माई नाइंथ स्टूडेंट्स तो ये बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है ये ट्रू मोटिवेशन की लाइंस है जिसको एवलिन ने जस्टिफाई करा और अब हम सबको उस चीज पे वर्क करना है सो प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियर एंड फॉर ऑल दिस और इन सारे जितने भी टॉप अवॉर्ड भी जो एवलिन ने बैक करे जो एवलिन को जो क्राउन किए गया था जिन टॉप अवार्ड के साथ एवलिन वोट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोमेंट वो बहुत अपने आप को आपको यूनो you know, साइनस बहुत तोप नहीं समझ रही थी कि दैट ये प्राउड मोमेंट एंड शी बिकेम ऐसा कुछ नहीं था uh, मेहनत कर रहे हो और अगर आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो डेफिनेटली गेट देयर एंड शी गोट राइट टू दॉप ऑफ दोस्ट आफ्टर मल्टीपरक ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्कड्यूल तो यहाँ पे हमें क्या पता चला है एवलिन के बारे में कि एवलिन ने बहुत प्यारा सा इतनी सक्सेस लेने के बाद इतने ज़्यादा टॉप अवार्ड्स के साथ क्राउन होने के बावजूद भी एवलिन ने कभी क्रेडिट अपने आप के लिए नहीं लिया और कभी बोस्ट नहीं करा इन चीज़ों में राधर उसने बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस इम्पार्ट करी सारे रीडर्स को और क्या बताया इफ यू वर्क हार्ड अगर आप भी कड़ी मेहनत करते हैं देन और आपको अगर पता है ही you know आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो विल डेफिनेटली गेट देयर कड़ी मेहनत करना और राइट right डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है तो डेफिनेटली आप वहां पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे है कोई काम मुश्किल नहीं जब जबकि इरादा पक्का एंड शी गॉट राइट टू द टॉप और एवरिंग को भी बहुत हार्ड वर्किंग थी एंड शी वॉज वेरी क्लियर कि उसका गोल क्या है उसका मिशन क्या है उसका इंटरेस्ट क्या क्या है कि उसको क्या करना है करना एंड फाइनली शी गॉट राइट टू द टॉप और फाइनली उसी डायरेक्शन में मूव करती रही एंड शी गॉट एट द टॉप पोजिशन वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीपरक और वर्ल्ड की बहुत ही फेमस टॉप मल्टी मल्टीपरक एक दो नहीं जितने भी प्रकाशन uh, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सबको बहुत अच्छे से प्ले कर सकती है सो शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स एक दो नहीं ओके okay, uh, मैंने इसको पहले मिस्ट्री पढ़ा था इट्स मैस्ट्री ठीक है आई स्टैंड करेक्टेड विद माई वर्ड्स सो दैट टू विद मास्टरी ऑफ नॉट वन नॉट टू नॉट टेन नॉट ट्वेंटी नॉट हंड With thousands of instruments and hectic international schedule. Yenita self nationally performed internationally. Bhi, that was hectic schedule. Her eye then she was performing. So this is very inspiring about Evelyn. <coughs>

Raga and Inka. अब डेबरा इंटरव्यू ले रही है एवलिन का तो यहाँ पे डेबरा बोल रही है कि हमारे जो दो घंटे का जो डिस्कशन था उसमें एवलिन ने एक वर्ड भी मिस नहीं नहीं करा सुन नहीं सकती कुछ भी नहीं सुना बट उसने लिप मूवमेंट से इतना अच्छे से समझ लिया लिपसिंग से उसने पूरी बात समझ ली एक वर्ड तक मिस नहीं करा और ना कुछ गलत समझा लेकिन एवलिन क्या बोलती है मैन विद बुशी मी ट्रबल शी और बोलती है कि वो आदमी वो मैन जिनकी बहुत बुशी होती है, जिनकी जो दाढ़ी होती, होती है बड़ी, होती है, बड़ी, -बड़ी होती है तो कहती है वो लोगों से मुझे थोड़ी सी ट्रबल होती है, वो सुन नहीं सकती तो वो लिप्स के थ्रू और कंप्लीट फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू सामने वाले की बातों को समझती यूजिंग ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑल दी एक्सप्रेशन एंड इमोशंस तो वो बोलती है जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है और बड़ी बड़ी

एक्सप्रेशन को मैं बहुत ध्यान से समझती हूँ और तब मैं सामने वाले की बात को समझती हूँ शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ड तो एवलिन uh, जब बात करती तो उसका uh, बात करने का जो एक्सेंट है दैट इज फ्लॉलेस बिना किसी गलती के विदाउट अ फ्लॉ विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक सो इतने फ्लॉलेस तरीके से बिना मिस्टेक के वो स्कॉटिश एक्सेंट के साथ बात करती है बिकॉज क्यों इस एक्सेंट को क्यों वो सीख पाई है बिकॉज वो बचपन से डेफ नहीं थी उसने आठ साल तक तो लोगों को सुना है बातचीत करते और वो भी बात करती थी लोगों को सुनती थी तो इसीलिए वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत फ्लॉलेस तरीके से वो स्कॉटिश एक्सेंट में बात कर सकती है माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कोड हेयर आई लाइव वेवन अब यहाँ पे क्या बोल रही है एवलिन कि मेरी स्पीच इसीलिए क्लियर है क्योंकि मैं जब तक 11 साल की मम्मा ने पहली बार कब डायग्नोज करा था कब उनको कुछ गड़बड़ लगी थी व्हेन शी वाज शी मीन्स एवलिन वाज एट एज ऑफ एट और 11 में तो क्लियर हो गया था सो एवलिन यहाँ पे बोल रही कि माई मेरी स्पीच जो मैं इतना फ्लॉलेस तरीके से स्कॉटिश लिल्ट के साथ जो मैं बोल पा रही हूँ बात कर पा रही हूँ दैट इज बिकॉज माई स्पीच इज वेरी क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज इलेवन क्योंकि जब तक मैं ग्यारह साल की थी तब तक मैं बहुत अच्छे से सुन सकती थी इसीलिए तो मैं इतने अच्छे तरीके से बोल पा रही हूं बट दैट हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर जापनीज लेकिन इस बात से ये पता नहीं चलता है कि लेकिन इन सबके बावजूद बीटी के स्कॉटिश तो जस्टिफाई हो गया बट फिर भी उसने इतनी अच्छी फ्रेंच बोलना और उसने जापनीज पे मास्टर कर ली बेसिक जापानीज पे मास्टर कर लिया भाई ये कैसे कर That to all without hearing. This is something commendable कमेंडेबल अबाउट तो यहां पे हमें सब पता चल रहा है ये सब का अगर हम जस्ट या बैकबोन देखें या, ग्राउंड वर्क पे बात करें सो इट्स सिंपल थ्री वर्क डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन चलिए आगे बढ़ते हैं As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body on a wooden platform. She removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs to cassie a body part starting from the head to toe cassie vibrations go different resonances go different notes go, evelyn. फील करती है सेंस करती है और इस तरीके से शी पुट ऑल हर हार्ट शी पोर्स हर हार्ट इन टू म्यूज़िक और इसी लिए वो इतना इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म करती है कि जहाँ पे बाकी लोग भी बाकियों ने सीखा है लेकिन एवलिन ने फील किया है सेंस किया है दिस इज़ द रीज़न दैट शी इज़

स्किन मेरी स्किन में टिंगल करता है व्हाट इज टिंगल कॉज इज अ स्लाइट फ्रिकलिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन ऐसे गुदगुदी सॉर्ट sort ऑफ of कहते हैं ना कुछ ऐसा पिंचिंग जैसा तो अब एवलिन बोलते हैं कि इट टिंगल्स इन द स्किन म्यूजिक मेरी स्किन में टिंगलिंग इफेक्ट देता है माय चीक बोन्स एंड इवन इन माय हेयर जब वो एवलिन बता रही है कि जब वो जायलोफोन प्ले करती हैं शी कैन सेंस द साउंड पासिंग आप द स्टिक एंड टू फिंगर टिप्स तो जब वो जायलोफोन प्ले करते हैं स्टिक से तो वो इस चीज़ को फील कर पाती हैं कि स्टिक uh, से uh, जो म्यूजिक है शी कु सेंस द साउंड सॉरी साउंड जो है वो पास हो रहा है फ्राम द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स की स्टिक्स से लेकर वो कैसे फिंगर टिप्स में पूरा मूव कर रहा है साउंड कैसे ट्रांसफर हो रहा है बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम लीन करना मतलब ऐसे हम किसी पर टिक जाते हैं ना ऐसे आई एम लीनिंग अगेंस्ट द बोर्ड बोर्ड के अगेंस्ट में टिक रही हूं तो जब एवलिन सॉरी वेन एवलिन लीन्स अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोलेंस इज फ्लोइंग इन टू हर बॉडी तो जब वो सिर्फ ड्रम्स पे ऐसे टिकती है तो फील कर सकती है कि ड्रम की जो भी रेजोनेंसेस है वो फ्लो कर रही हैं एवलिन की बॉडी में रेजोनेंसेस मीन्स इकोस ऑफ साउंड साउंड की जो इको होती है ना जो गूंज होती है ड्रम की हम बात करें तो ड्रम गूंजता है जब उसको बजाओ तो इकोइंग जो साउंड होता है ना बस एवलिन ड्रम्स के अगेंस्ट लीन करती है और वो फील कर सकती है कि उसकी जो इकोइंग साउंड है वो एवलिन की बॉडी में कर रहा, है, कर रहा है आगे क्या बताती है? है है, और और जब भी वो कहीं परफॉर्म करने के लिए जाती है और वहाँ पे wooden platform होता है, तो वह हमेशा अपने footwear's को remove कर देती है, पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स ताकि जो भी वाइब्रेशंस होती हैं, वो उसके नंगे पैर उसके पैरों के माध्यम से उसके ऊपर अपर लेग्स में मूव हो सके सो so, इन इन डिफरेंट तरीकों से एवलिन म्यूज़िक को फील करती है म्यूज़िक को सेंस करती है

एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इस मोमेंट पे एक मास्टर पर मास्टर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे जेम्स ब्लेट जिनका नाम है उन्होंने एवलिन को देख के क्या बोला कि फॉर श्योर गॉड मे हैव टेकन अर हेयरिंग बिल्कुल सही है कि गॉड ने भले ही भगवान ने एवलिन की सुनने की क्षमता को छीन लिया बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट भगवान ने एवलिन को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेस किया है दैट इट इज

और कोई इंसान सुन नहीं सकता है, वो उस चीज़ को महसूस कर रहा है कितना डीप होगी वो फीलिंग कितनी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते होंगे बट वो इतना एफर्टलेसली परफॉर्म करती है लाइक रेबल सो शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ आस वो म्यूजिक को इतना डेप्थ में जाके फील करती है कि जो हम लोग ने, हम लोग तो सुन के समझ रहे हैं उसको लेकिन उसको महसूस कर रही है बिना सुने हुए शी इज एक्सट्रॉर्डिनरी सो दैट इज वॉय शी एक्सप्रेस दिस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली और यही वो रीजन है क्योंकि वह सुन नहीं सकती वो सुनती ही नहीं है वो उसको फील करती है वो उसको महसूस करती है इसीलिए शी पुट ऑल अर हार्ट एंड सोल

Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Evelyn confess करती है मतलब uh, वो उसको लगता है कि yes in a you know very uh, sarcastic way बोलती confess करती है इस बात को कि मेरे अंदर एक कमी है क्या कमी मैं वर्क काइंड ऑफ पर्सन काम करने की आदत है क्या करूँ ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर सेम इज द केस विद एवलिन ऑल्सो तो एवलिन कन्फेस करती है इस बात को दैट ये दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्क वो कुछ वर्क काइंड ऑफ पर्सन वो काम की बहुत लत है बहुत जुनूनी है आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क चीजें स्टार्ट करी हैं एंड often एंड अक्सर हार्डर classical क्लासिकल जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं जितना रियाज जितना प्रैक्टिस उनको करना पड़ता है उनसे कहीं बार कहीं गुना ज्यादा मुझे करना पड़ता है बिकॉज़ ये सुन नहीं सकती है बट द रिवॉर्ड आर नॉर्मस लेकिन जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मैं करती हूँ उसके लिए जो मुझे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलते हैं दैट इज एट द टॉप वो किसी से कंपेयर नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आई एम एट द टॉप पोजिशन दे आर एनॉर्मस जो रिवॉर्ड मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करने के मिलते हैं दे आर ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल देर इनॉर्मस इनॉर्मल बहुत सारे हैं बिग अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर आल्सो गिव्स फ्री कंजर्ट इन प्रेजेंट एंड हॉस्पिटल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर में याद रखिए क्यों क्या है ठीक है सो so, uh, अब अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स जो रूटीन में हम लाइव कंसर्ट्स में कभी कभी जाते हैं ना परफॉर्मेंसिस देखने के लिए सोलो ऑर्केस्ट्रा तो अब एवलिन बता रही है अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर कंजर्ट एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंजर्ट करती है कहाँ पर प्रजेंट्स में जाके हॉस्पिटल्स में जाके शी ऑल्सो हाई प्रयोरिटी to classes फॉर यंग म्यूजिशियो एवलिन एक टॉप उनको प्रेफरेंस पे रखती है प्रायोरिटी में प्राथमिकता देती है किसको टू तो क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन कि जो भी यंग जो बडिंग होते हैं म्यूजिशियन जो काफी यंग एज के नौजवान होते हैं उनको प्रायोरिटी देती है उनको प्रेफरेंस उनको टॉप लिस्ट में रखती है एंड रिचलन ऑफ द बीट हो वन फन फॉर डेफ चिल्ड्रन सीज शी इज अ शाइनिंग इंस्परेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन अब And ये भी नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये पता होना चाहिए एन रिच लेन जो बीटोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की जो होल्डर uh, थी वो क्या बोलती है कि एवलेन एक शाइनिंग एक चमकती हुई एक ब्रिलियंट इंस्पिरेशन है सारे डेफ चिल्ड्रन के लिए देसी दे सी दैट देर इज नो वे दैट नॉट गो और उनके लिए क्या इंस्पिरेशन है कि वो जब डेफ बच्चे सुनते हैं एवलिन को परफॉर्म करते हुए और इस लेवल पे परफॉर्म करते हुए वे शी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे शी इज अनबीटेबल वे देर इज नो कंपेरिजन विद एवलिन तो वो एक ट्रू इंस्पिरेशन होती है सारे डेफ बच्चों के लिए और वो देखते हैं ऐसा दैट देर इज नो वे ऐसी कोई रहा नहीं है ऐसी कोई मंजिल नहीं नहीं है जिसको हम पा नहीं सकते हैं। बस अगर हमें कुछ चाहिए तो क्या चाहिए हार्डवर्क डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन तो प्यारे बच्चों अब आप बताओ नाइन्थ में इंग्लिश में कितने स्कोर करोगे क्या आपको लगता है नाइन्टी फाइव प्लस स्कोर करना मुश्किल है बिल्कुल नहीं मुझे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज प्लीज और जरूर बताइए कि कितने बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए बहुत इंस्पायर हुए हैं एवलिन से और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने भी ये प्रॉमिस किया है कि आज के बाद वो लाइफ में तीन कॉन्सेप्ट वर्क करेंगे हार्ड वर्क

Be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, "If she can do it, why can't I?" And not the least, she has given enormous pleasure to millions of people. Chali, so Evelyn Glennie. इस छोटी सी 16, 17 ईयर की एज में वो इतना कुछ एकम्प्लिश कर चुके इतना कुछ हासिल कर चुकी है मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइज हर एज जितना कि उससे डबल एज लाइक हम थर्टीज की एज में भी लोग इतना नहीं कर पाते हैं, उन लोगों की एज से डबल एवलिन ने इस टीन एज इस छोटी सी टीन एज में ही एक्म्पलिश कर ली है वो सारी चीज़ें शी शीज ब्रॉड परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा और वह परकशन Uh, को एवलिन uh, को ही वो क्रेडिट जाता है जो पर्कशन को ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट में ऑर्गेस्ट्रा के ट्रूप में पर्कशन uh, को फ्रंट में लेके आई है एंड डेमस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग और ये दिखाया है लोगों को प्रूव किया है जस्टिफाई किया दैट इट इज वर्थ मूविंग इट कैन बी रियली वेरी मूविंग शी हज गिविन इंस्पिरेशन टू दोज और स्पेसिफिकली एवलिन ग्लिनी ने उन सब लोगों को एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन दिया है बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया है उन लोगों को जो लोग हैंडी होते हैं जो लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं किसी ना किसी टाइप की जिनको डिसेबिलिटी होती है उन लोगों को हु लुक टू हर से और उन लोगों को वो लोग जो उनको एवलिन दे, uh, को देखते हैं तो क्या बोलते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन अगर ये लड़की कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हम भी कर सकते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन एंड नॉट द लीस्ट और सबसे कम नहीं शी हैज गिवन अमस और ये लिस्ट में सबसे छोटी चीज नहीं है बट दैट इज लास्ट बट रियली नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन अ प्लेजर बहुत ज्यादा सुकून दिया है मिलियन पीपल को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल को बाय हर परफॉर्मेंसेस चलिए उ दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर आई होप योर लिटरली मूव एंड ए डाउट हमने परफॉर्मेंस तो अभी यहाँ पे देखी या सुनी नहीं है बट इतनी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरी ने लिटरली हैज मूव दफ माई हार्ट वट अबाउट योर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे कम्प्लीट एन सी आर टी सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट वन टिले टून एंड स्टे कनेक्टेड विद मी बायर